हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल V3 मोटरराड। तो यार देखो, आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, MT-15 के 5 गुड पॉइंट बताए थे R15 से वर्जन 3 से अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं उसमें। रीज़न भी यार देखो, इस बाइक को मैंने पिछले 10 दिन से राइड किया है, ठीक है। तो जो चीज़ें मेरे को इसकी अच्छी लगी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी पिछली वीडियो में, बट कुछ चीज़ें मेरे को ना R15 वर्जन 3 की भी अच्छी लगी। 5 पॉइंट्स मेरे को R15 वर्जन 3 के बहुत अच्छे लगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं हम लोग, सीधा आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। अगर हम अपने पहले पॉइंट पर आए तो वो रहने वाला हमारा ABS। देखो, इस बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है 2019 मॉडल में। इसमें आपका MT-15 में सिंगल चैनल ABS मिलता है। अब देखो, सिंगल चैनल ABS है तो पीछे की ब्रेक आप जब यूज़ करोगे डिस्क ब्रेक, तो आपका पीछे का टायर स्लिप करेगा ही करेगा। बट इस बाइक में R15 वर्जन 3 में आप दोनों में कोई भी ब्रेक यूज़ कर लो, आपको कोई भी टायर स्लिप नहीं करने वाला, आपको ये बेनिफिट हो जाता है ड्यूअल चैनल ABS का। और अगर हम अपने सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो हमारा सेकंड पॉइंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है सिंगम। इस बाइक में आपको मिलता है एल्यूमिनियम सिंगम, और इस बाइक में आपको MT-15 में मिलता है बॉक्स टाइप सिंगम। तो देखो, एल्यूमिनियम सिंगम का बेनिफिट ये होते हैं, एक तो लाइट वेट होता है और दूसरा डिज़ाइन अच्छा होता है। और जब आप टॉप एंड पे जाते हो, लाइट वेट होने की वजह से आपको टॉप एंड ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा इसमें डेफिनेटली। आप अपने हम थर्ड पॉइंट पे आए तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि एक फुल्ली फेड बाइक है ये, तो जब हम इस पर टॉप एंड पे जाएंगे, मतलब 100 अबव जाएंगे, तो इस पर जो विंड ब्लास्ट लगेगा वो बहुत ही माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ से विंड ब्लास्ट आएगा और हमारे हेलमेट की वजह से चला जाएगा। बट अगर हम MT-15 की बात करें तो डायरेक्ट हमारी चेस्ट पर लगने वाला है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और अगर हम चौथे पॉइंट पर अपने आए तो चौथा पॉइंट हमारा रहने वाला है ट्रैक फोकस्ड। जिस पर्सन को, एक तो यंगस्टर को अट्रैक्ट भी करती है बाइक, और चौथा ये जिस पर्सन को अपने ट्रैकिंग करनी है आगे चल के, तो उसके लिए अच्छा लर्निंग हो, मतलब एक्सपीरियंस रहेगा इससे। बिल्कुल ट्रैक फोकस्ड बाइक है, वो जिस पोस्चर एकदम बढ़िया है, तो लीनिंग वगैरह करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और हम अपने अगर पांचवा पॉइंट पर आते हैं तो हमारा पांचवा पॉइंट रहने वाला है फोल्डेबल मिरर्स, और क्वालिटी वाइज बहुत ही सुपर है। जबकि हम अगर अपनी MT-15 को देखते हैं तो यार देखो, सिर्फ 3000 रुपये महंगी है ये, 1,63,000 की है ऑन रोड दिल्ली में, और 3000 रुपये में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल रहा है, फुल्ली फेड बाइक मिल रही है, मिरर क्वालिटी देख लो, फोल्ड ओवर मिरर मिल रहे हैं। तो यार देखो वेल, और साथ में एल्यूमिनियम सिंगम मिल रहा है आपको। तो यार देखो, वैल्यू फॉर मनी पैकेज बना रखा है ये। आप लोगों को अगर जो मैंने बताए पांच पॉइंट्स अगर अच्छे लगे हों तो आपको वीडियो लाइक कर देनी है, कमेंट करके बताना है कि आपके कोई है अच्छा ऐसा पॉइंट जो आपको अच्छा लगता हो R15 वर्जन 3 का MT से कंपेयर में। क्योंकि यार देखो, इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है, दोनों सेम CC की बाइक है, दोनों का ऑलमोस्ट सारी स्पेक्स सेम है, तो जो चीज़ अच्छी थी वो इसकी बता दी गई है। बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, यही कहना चाहूँगा, बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यार देखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, जो चीज़ गलत लगी हो आपको वो भी चीज़ कमेंट करके बताना आप मेरे को। और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाल वाला बटन दबा दो। तब तक के लिए राइड सेफ, मिलते हैं अगली वीडियो में।